भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और यूनियन क्लब की ओर से गुरुचरण सिंह होरा के लिए सम्मान समारोह रखा गया। 23वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर 1.5 दर्जन से अधिक महिलाओं ने किया कांग्रेस प्रवेश। खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और यूनियन क्लब की ओर से गुरुचरण सिंह होरा के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इसमें यूनियन क्लब अध्यक्ष और टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को स्मृति चिन्ह देकर जोरा क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री समेत अधिकारियों और क्लब के सदस्यों का आभार जताया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन और खेल युवा कल्याण विभाग के बैनर तले जोरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस एकेडमी बनाई गई है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया खेल ओलंपिक के समापन पर किया था। इसके बाद से यह कोर्ट टेनिस खिलाड़ियों को समर्पित हो गया। इस टेनिस एकेडमी को बनवाने में टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा का विशेष योगदान रहा। इसके लिए गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताने के लिए यूनियन क्लब में सम्मान समारोह रखा गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को गुलदस्ता देकर हार पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा को ब्रिक्स देशों के साथ होने वाले टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय टेनिस टीम का मैनेजर नियुक्त किए जाने पर बधाई देते हुए वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ियों और क्लब के सदस्यों ने कहा कि गुरुचरण सिंह होरा ने न केवल यूनियन क्लब के खिलाड़ियों का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही टेनिस एकेडमी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए उनका आभार जताते हैं। शहनाई का नाम बिस्मिल्ला खान का याद आता है, सितार का नाम रविशंकर याद आते हैं, छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स का नाम तो गुरुचरण याद आते हैं। मुझे इनको बधाई देते हुए और इनका स्वागत करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि न सिर्फ यूनियन क्लब का, न सिर्फ रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ का इन्होंने मान बढ़ाया है और मैं इनके उत्तरोत्तर भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्दी आप AITA के प्रेसिडेंट हो जाएं, BCCI में भी आप इस पद से और ऊंचा पद ग्रहण करें और छत्तीसगढ़ के और अपने स्पोर्ट्स जगत के लिए वैसा ही प्रयास करते रहें और सबको करें, एनकरेज करें खेलने के लिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सारे टेनिस प्लेयर्स की ओर से, चूँकि मैं मुझे कोई दूसरा हो तो बताना, मैं इस्तीफा दे दूँगा, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के टेनिस प्लेयर्स की ओर से बोरा जी को बहुत बहुत बधाई और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और नहीं कि मेरे ताज्जुब हुआ, ये स्टेडियम से भी बड़ी उपलब्धि है कि अपने इंडियन सीनियर टीम का, टेनिस टीम को एज ए मैनेजर लेके विदेश जा रहे हैं। माने कितनी बड़ी बात है कि इंडिया नंबर 1-2 को अगर आम खिलाड़ी मिलता है तो उनके साथ बात करने में वो हिचकिचाता है, अरे वो इतने खोपन्ना है, अरे वहाँ पर ये बामरा है, ऐसे इस टाइप से उनकी टीम को लेके गुरचरण जी अभी विदेश में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये न केवल रायपुर के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं तो उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ और ये छत्तीसगढ़ का सम्मान है, मैं गुरुचरण का है ना, तो धन्यवाद। होरा जी के स्वागत समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और प्रदेश के मुखिया, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई श्री भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव भाई गुरचरण होरा जी, टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी,
एवं टेनिस संघ के सचिव जुझारू सचिव श्री गुरचरण होरा जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को दिए गए टेनिस एकेडमी के एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अवसर पर मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि उनकी इस उदार नीति का प्रदेश के समस्त खेल संघों को भी हमारे एक भाई गुरचरण होरा जी का आशीर्वाद भविष्य में मिलता रहेगा। माननीय गुरचरण सिंह होरा जी ने जो सौगात छत्तीसगढ़ को दी है वो अतुलनीय है। इस सौगात से ये होगा कि जो हमारे जूनियर टेनिस खिलाड़ी आगे आना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से गुरचरण सिंह होरा जी को धन्यवाद देता हूँ जी, उनके प्रयास से इतना बड़ा एकेडमी यहाँ पे बन सकी है। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो पूरे आगे भी सभी खेलों को अपना योगदान देते रहेंगे और खेलों को बढ़ावा देते रहेंगे। धन्यवाद। पैदा जन्म से ही पर हुआ हूँ, लेकिन इतना बड़ा सम्मान जो आज हमारे आदरणीय गुरचरण जी को मिला है, मेरी लाइफ में तो सिर्फ एक संजय शर्मा जी थे जो बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर बनाया था, लेकिन दूसरी बार आज छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया हमारे आदरणीय बड़े भाई गुरचरण जी होरा जी। मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। टेनिस अकादमी के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री ने राशि की कमी नहीं होने दी। जब जब उनसे निर्माण कार्य को लेकर चर्चा की गई, उन्होंने सहयोग प्रदान किया। आने वाले दिनों में टेनिस संघ खेल युवा कल्याण विभाग से MOU करके संचालित करेगा। इस दौरान मौजूद सदस्यों को आश्वस्त करते हुए गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि जल्द ही टेनिस एकेडमी को दूसरा यूनियन क्लब बनाया जाएगा। देखिए, मेरा प्रयास नहीं है, ये प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का प्रयास है और उनके मार्गदर्शन में वो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं और उनके प्रयास, उनके मार्गदर्शन में, उनके कार्यकाल में ये पहला स्टेडियम है टेनिस का जो कि लोकार्पित हुआ। माननीय भूपेश बघेल जी के बारे में कहा जाता है कि वो खेलों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। रीजनल खेल डंडा गिल्ली भौरा ये तो वो करा ही रहे हैं, 30 लाख लोग खेले, और ये हमारे लिए टेनिस स्टेडियम गौरव की बात है कि उसी रीजनल खेल के बीच में एक इंटरनेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया, तो उनका सभी खेलों के प्रति रुझान जो है वो दर्शित करता है और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयास से ये टेनिस स्टेडियम लोकार्पित हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा सुंदर स्टेडियम बना है, 45 कमरे रुकने के लिए बने हैं, हॉल बने हुए हैं, 5 टेनिस कोर्ट हैं, प्रैक्टिस के एक मेन कोर्ट है, 6 कोर्ट बने हुए हैं और बहुत भव्य स्टेडियम तैयार है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना नाम अंकित करेगा, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की ओर से और यूनियन क्लब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानता हूँ। माननीय तामदस साहू जी, उमेश पटेल जी, PW की टीम और स्पेशली श्वेता सिन्हा जी, नीलम एक्का जी, इन सब के प्रयास से ये जो स्टेडियम तैयार हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को खेलने के लिए शीघ्र उपलब्ध होगा। मैं इसी अवसर पर उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। यह अचीवमेंट यूनियन क्लब के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के टेनिस जगत के लिए भी है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ को जो एक टेनिस एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस कोर्ट का जो सौगात मिली है वो गुरचरण सिंह होरा जी के अथक प्रयासों से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल व उनकी सरकार द्वारा जो है स्टेडियम की सौगात दी गई है। यह टेनिस जगत में एक नया आयाम होगा छत्तीसगढ़ के लिए और सारे खिलाड़ियों के लिए। यहाँ से अब टेनिस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पहले से ज़्यादा निकलेंगे, यह उम्मीद जरूर की जा सकती है एवं खेल जगत में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके लिए गुरचरण सिंह होरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूनियन क्लब जो जहां से वह खेल जगत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सम्मान है गुरचरण भाई का, क्योंकि खेल में आज के डेट में जो भी खेल छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसमें हर खेल में गुरचरण भाई का योगदान है।
खुल के, और अभी जो आज उनका सम्मान क्लब ने और छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन ने सम्मान किया है उनका, वो स्टेडियम को उन्होंने भरपूर ढंग से बनवाया है। मुख्यमंत्री बघेल जी उनका पूरा योगदान और इन्होंने देख के खड़े होकर बनवाए हैं पूरे शासन के टीम के साथ, तो ये हम लोग के लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। इसमें एक मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा गुरचरण भाई को कि इसके बाद वो मेरा जो खेल है बैडमिंटन उसके लिए वो उसका भी इसी तरह का एकेडमी बनवा दें, क्योंकि उनका प्रयास जो है ना इतना अच्छा प्रयास होता है कि बनना ही बनना है, ये हम सब खिलाड़ियों का विश्वास है। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन 23वें राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेलों के विकास के लिए कृत्य संकल्पित है और इस हेतु खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। शहर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विश्व स्तरीय खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को हार जीत की परवाह किए बिना खेल भावना से खेल खेलना चाहिए। खेलों में कोई एक जीतेगा तो कोई एक हारेगा, पर महत्वपूर्ण यह है कि हमें खेलों को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। सभी खिलाड़ी विभिन्न संभागों से खेलने आए हैं, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। कार्यक्रम को महापौर शफीरा साहू, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य एवं इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर शफीरा साहू, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य, ग्रामीण अध्यक्ष बलराम मौर्य, वरिष्ठ पार्षद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यशवर्धन राव, राजेश रॉय, पार्षद सूर्य पाणी, खंड शिक्षा अधिकारी मानसीय भारद्वाज, उपखंड शिक्षा अधिकारी भारती देवांगन सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। मुझे जगदलपुर में आकर इतना बहुत खुशी लग रहा है, जो रग्बी गेम हमारे कोच हैं मोहम्मद सईद सर, जो कि वो हम लोग को एक बार खेलने का मौका दिए तो हम लोग बहुत जोश में आए सर, और बस्तर में आके हम लोग बस्तर जूनियर टीम फर्स्ट लाए सर, हमको बहुत जोश आ रहा है, तो हम इसी तरह से अपने टीम के लिए बहुत आगे से खेलते रहेंगे सर। कैसा लगता है रग्बी आप लोगों को? सर हम लोग को रग्बी बहुत अच्छा लगता है सर। कहाँ कहाँ से कितने बच्चे आए थे? यहाँ पे लगभग 900 बच्चे आए थे। आज राज्य स्तरीय स्थानीय क्रीडा प्रतियोगिता के समापन का अवसर पर सभी संभाग की टीमें आई थी और सभी में बड़ा उत्साह था, सभी ने खिलाड़ी भावना से अपना खेल खेला, और इसमें इन आज चैंपियनशिप में बस्तर प्रथम स्थान पर। कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रियों का लगातार दौरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास के पश्चात भाजपा अग्रेसिव मोड पर है और लगातार नेताओं का बस्तर आना जारी है। इसी क्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू 2 दिवसीय प्रवास पर है। दौरे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों का आना जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा प्रत्येक सांसदों मंत्रियों को 3-3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे भी 3 विधानसभाओं का दायित्व दिया गया है। पार्टी के दिए गए निर्देशों के तहत 6, 7 और 8 अक्टूबर को विधानसभा वार जानकारी एकत्रित कर केंद्रीय चुनाव समिति को अवगत कराना है। आपको बता दें, प्रदेश में कांग्रेस की भारी बहुमत की सरकार है। भाजपा को इस चुनाव में अपना खोया हुआ जन आधार प्राप्त करना है। स्नैपड्यूब भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बाकी चुनाव की दृष्टि से हम लोग को जो जिम्मेदारी दिया गया है मंत्री लोग को, सांसद लोग को,
तो उस दृष्टि से मेरे को 3 विधानसभा का जिम्मेदार दिया गया है, उसमें से 1 विधानसभा का तो उम्मीदवार घोषित हुआ है, बाकी दोनों का नहीं हुआ है, वो शायद बहुत जल्द ही हो जाएगा। तो ये हम लोग को देखिए, जहाँ घोषित हो गया है उसका एक स्ट्रेटजी या उसका एनालिसिस भी करना है, जिसका नहीं हुआ है उसका भी हमको करना है। 6, 7, 8 पार्टी का निर्देश था कि 3 दिन जो जो जिम्मेदारी जिसको जिम्मेदारी दिया गया है वो लोग वहाँ पहुँचे और पार्टी का जो पदाधिकारी है, कोर कमेटी है, उनके साथ बैठ के ये फिर चर्चा आर्चना करें। तो इस क्रम में मैं अभी पहुँचा हूँ, अभी सभापति भी आ रहा है, बाकी मंडल का एक साथ हम लॉन्च के बाद ये हम चर्चा करेंगे और जो जो रणनीति करना है उसी हिसाब से हम करेंगे, पार्टी का जो निर्देश है उसी हिसाब से हम। संभाग मुख्यालय राजीव भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य व संसदीय सचिव रेखचंद जैन के समक्ष अटल आवास की 1.5 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कांग्रेस की रीति नीति व कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मौर्य व विधायक जैन ने कांग्रेस प्रवेश करने आई सभी महिलाओं को आत्मीयता पूर्वक फूलमाला व कांग्रेस का गमछा पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। कांग्रेस प्रवेश करने आई महिलाओं को जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य व विधायक रेखचंद जैन ने विधिवत कांग्रेस प्रवेश करवाया। संसदीय सचिव विधायक रेखचंद जैन ने प्रदेश सरकार के कार्य व कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस में प्रवेश किए सभी को बधाई दी। जैन ने उन्हें होने वाले विधानसभा चुनाव में एक होकर काम करने की बात कही, साथ ही पार्टी के लिए काम करने की नसीहत देते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने की बात कही। इस अवसर पर अवधेश झा, कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी सूर्या पानी, महामंत्री विजय सिंह, जायद हुसैन, ललित नाहटा, गौरनाथ नांग, वरिष्ठ कांग्रेसी सतपाल शर्मा, शादाब अहमद आदि उपस्थित रहे। आज आप सब लोग कल जब मुझसे मुलाकात किए थे और आप लोग कहते थे कि हम लोग कांग्रेस का प्रवेश करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और हमने हमारे अध्यक्ष जी मुस्लिम भैया भी बने एक बार जोरदार ताली बजाए। कांग्रेस प्रवेश की प्रक्रिया में इनकी मौजूदगी में ही होता है, हमने कल बात किया था सुशील जी से, तो आज 11-12 बजे आप लोग कॉलेज से आप लोग आए हैं, आज खुशी से आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री बघेल जी के काम से प्रभावित होकर आप लोग आज कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर सड़क मार्ग से पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री टुडू ने भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात कर मंत्रणा और दलपत सागर का औचक निरीक्षण भी किया। दलपत सागर में हुए कार्यों की जानकारी ली। भाजपा जिला अध्यक्ष रूपसिया मंडावी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विद्या शरण तिवारी, नरसिंह राव, संग्राम सिंह राणा आदि से भेंट कर लंबी चर्चा की और चुनावी संबंधित तैयारियों कार्यों से अवगत हुए। दोपहर में ही राज्य मंत्री टुडू दलपत सागर का निरीक्षण करने पहुंचे। लगभग आधे घंटे से अधिक समूचे दलपत सागर क्षेत्र का भ्रमण किया और वहां अब तक किए गए कार्यों की जानकारी से अवगत हुए। 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री टुडू 8 अक्टूबर को भाजपा जिला कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से जगदलपुर विधानसभा और चित्रकूट विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ली। नगर निगम की कांग्रेस सरकार के द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 20 ऑटो नया खरीदा गया। सभी ऑटो को कांग्रेस पार्षदों को दे दिया गया और जिन वार्डो में भाजपा के पार्षद हैं, हमेशा की तरह उस वार्डो के साथ पक्षपात किया गया। इन 20 वार्डो में एक ऑटो मदर टेरेसा वार्ड को भी देकर यहाँ की पुरानी ऑटो को निकाल कर दीनदयाल वार्ड में दिया गया। वार्ड के साथ लगातार हो रहे भेदभाव से नाराज वार्ड वासियों ने माँ काली चौक में एकत्र होकर नगर निगम की महापौर शफीरा साहू के द्वारा वार्ड की अनदेखी के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया। वार्ड वासी निगम में ज्ञापन देकर 2 दिवस में नया ऑटो नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पार्षद सविता सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में वार्ड वासियों की बैठक हुई और बैठक में समस्त वार्ड वासियों को यह जानकारी दी गई कि वार्ड के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है। बैठक के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने वार्ड वासियों को संबोधित किया।
नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने महापौर से और विधायक रेखचंद जैन से सवाल करते हुए कहा है कि क्या जगदलपुर के भाजपा पार्षद के वार्डो में निवास करने वाले वार्डवासी इस शहर के निवासी नहीं है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा आमचोर आर आमचो जीवना कार्यक्रम की शुरुआत करते 6 अक्टूबर को कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूली विद्यार्थियों के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलोर के सहयोग से गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया, जिसे प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से डॉक्टर सुरेश कुमार शाह और शिवा मुंडोली अश्वस्थी विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहे। यह कार्यशाला राष्ट्रीय उद्यान के सभी मैदानी अधिकारी कर्मचारी मैना मित्र और युवोदय वन मितान के लिए आयोजित की गई है, जिससे वे गतिविधि आधारित आमचोर आन आमचो जीवना कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन कर सके। अवैध शराब परिवहन करने वाले तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी तारतम्य में 6 अक्टूबर 2023 को एक डस्टर वाहन क्रमांक CG10AE5944 से तस्करों द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब बिक्री करने के लिए परिवहन किया जा रहा है की सूचना पर गठित टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान शिवनी चौक देवड़ा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की डस्टर वाहन क्रमांक CG10AE5944 आया। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन में अंग्रेजी शराब कुल 750 नग कीमत ₹75,000 तथा वाहन को मौके पर जब्त किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।